फॉर टू सर्कल्स, ये दो सर्कल दिए हुए हैं, देयर इज आर वन पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट, टू पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट, थ्री कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट, ओके। ये दो सर्कल दिए हैं, इनके बीच में बताना है कितनी टेंजेंट होंगी। देखिए, कभी भी पता करना हो कि सर्कल में टेंजेंट कितनी होंगी, अगर ये पोजीशन है तो इस समय चार टेंजेंट होती हैं, अगर ये पोजीशन है, मैं रिवीजन भी करवाते हो चलो, तो थ्री टेंजेंट होती है, अगर ये पोजीशन है तो टू टेंजेंट होती है, और अगर ये पोजीशन है तो वन, और ये पोजीशन है तो जीरो। अब ये पोजीशन का पता कैसे चलता है, वो समझ लीजिए कि दोनों सेंटर का डिस्टेंस निकाला सी वन सी टू, वो ग्रेटर देन होगा आर वन प्लस आर टू से। इसका पता, दोनों सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के सम के इक्वल होगा। इसका पता, दोनों सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा। इंटरसेक्शन का पता, दोनों सेंटर के डिफरेंस से ज्यादा होगा और दोनों के रेडियस से कम होगा। और इस लास्ट वन का पता, इस सिंपल सी वन सी टू लेस देन, सॉरी हाँ, सी वन सी टू लेस देन आर वन माइनस आर टू। इस तरह से इस क्वेश्चन को मेथड से किया जा सकता है। तो अभी मैं पूरा क्वेश्चन मेथड से करूंगा जिससे आपका कंफ्यूजन ना बने। अब इसमें पहला जो सर्कल है उसका सेंटर दिया है, बहुत ही इजी, कभी भी आ जाए, और रेडियस है फोर। दूसरा जो सर्कल दिया है उसका सेंटर है जीरो कॉमा वन और रेडियस भी वन है। अब दोनों सेंटर का डिस्टेंस निकाला सी वन सी टू, ठीक है, वो आया कितना, वन, वो आया वन। अगर आप देखें तो आर वन प्लस आर टू करोगे फाइव, आर वन माइनस आर टू करोगे तो भी थ्री, तो भी थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी वन सी टू की जो वैल्यू है वो आर वन माइनस आर टू से भी कम है। तो इसका मतलब कोई कॉमन टेंजेंट हो ही नहीं सकती, इस तरह का कोई सर्कल है तो नो कॉमन टेंजेंट। द टेंजेंट एट द पॉइंट टू कॉमा माइनस टू टू द कर्व डज नॉट पासेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, डज नॉट, ये खतरनाक होता है क्योंकि इसमें ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। हमें डज बोला है, नॉट बोला है, पासेस थ्रू बोला था तो हमें पॉइंट सेटिस्फाई करता। अब एट जब भी लिखा हो तो इसका मतलब पॉइंट ऑन द कर्व होता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, चाहे टेंजेंट की इक्वेशन हो या नॉर्मल की, dy by dx निकालिए, इससे मिलता है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उससे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगर मैं बोलूं इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो इम्प्लिसिट फंक्शन से करिएगा। ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पार्शियली डिफ्रेंशिएट एक्स, पार्शियली डिफ्रेंशिएट वाई, तो बोलो क्या होगा, माइनस के साथ एक्स स्क्वायर का हुआ तो टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस टू अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वाई टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर। अब आप टू माइनस टू रखिए तो एक्स रखा टू फोर फोर सिक्सटीन माइनस टू फोर्टीन, नीचे रखिए टू का स्क्वायर फोर एट माइनस सिक्सटीन प्लस फोर, तो ये प्लस हो जाएगा फोर्टीन बाय ट्वेल्व यानी सेवन बाय सिक्स। तो अगर टेंजेंट की स्लोप की बात करें तो सेवन बाय सिक्स, नॉर्मल की बात करें तो माइनस सिक्स बाय सेवन। अब मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, आप बोलोगे सर वाई माइनस वाई वन इक्वल टू सेवन बाय सिक्स एक्स माइनस एक्स वन। अब आप चाहो तो यहीं पे कर सकते हो, सिक्स वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सेवन एक्स माइनस फोर्टीन या सेवन एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करे वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए डज नॉट सेटिस्फाई, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा। इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट विथ पॉजिटिव स्लोप टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स इक्वल टू जीरो एज वेल एज द हाइपरबोला, मतलब वो सर्कल की भी टेंजेंट हो, हाइपरबोला की भी हो। इसका मतलब सर्कल की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करे और हाइपरबोला की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। कोई दो में से एक तरीके को हम यूज कर सकते हैं। हाइपरबोला का भी कंसेप्ट सिंपल है और सर्कल का भी। सर्कल के हिसाब से देखें तो सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो है फोर जीरो और रेडियस है फोर। ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसपे परपेंडिकुलर डालने पे फोर मिलता है वो हमारा करेक्ट आंसर। जैसे इसमें मैं डालूं तो एट माइनस ट्वेंटी अपॉन
फोर प्लस फाइव, राइट, ये हुआ 12/3 यानी 4 मिलता है। अगर मैं इस पे डालूं तो 12+8 20/5 इस पे भी मिलता है ना। अगर मैं इसमें डालूं तो 8+4 12 12/3 इस पे भी मिलता है। तो इसका मतलब हम दूसरे वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं, है ना, मेथड से तो कर ही सकते हो। दूसरा कंसेप्ट मतलब इसकी जो भी टेंजेंट होगी, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जाएं तो c की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल होना चाहिए। अब आप इसमें से ऑप्शन को क्रॉस चेक कर लो, इससे दो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए को लेके चलूं तो ऑप्शन ए है √5y = 2x - 20 या y = 2√5x - 20/√5। अब मैं अगर देखूं तो सी स्क्वायर मतलब ये हो गया, अभी सी रहने दें, अंडर रूट ए स्क्वायर 9, एम कितना बेटा एम स्क्वायर, तो 4/5 माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 4, ये हो गया बेटा अंडर रूट का 36 - 20/5 एंड दिस इक्वल टू 16 यानी 4/√5। सी की वैल्यू 4/√5 नहीं है, इसका मतलब ए आंसर नहीं है, राइट अब इसी समय अगर बी पे जाएं तो यहां पर केवल प्लस 4 लिखा है, तो प्लस 4 लिखा होने का मतलब है कि ये 4/√5 हुआ, प्लस का हुआ, एंड देन यही राइट आंसर है। तो कब किस मेथड से जल्दी हो जाए डिपेंड करता है, तो ये इसका करेक्ट है। अगर मेथड से करते तो थोड़ा टाइम लग सकता था। बी इज अ राइट आंसर, द फोकाई ऑफ द एलिप्स x²/16+y²/b² = 1 एंड हाइपरबोला कॉन्सेप्ट, मतलब जो इसकी फोकाई है, फोकस है, इसका भी फोकस वही है, तो आपको बी का वैल्यू बताना, बस इसमें करना यह है कि इसको ऐसा लिखना है एक्स स्क्वायर, ये 25 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 144 - y² / 81 = 1/25। अब इसकी फोकाई क्या पहले बताइए, तो आप फोकाई हमेशा होती है ऐसा एक्स स्क्वायर अपॉन 20, इसका 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 144/25 - y² / 81/25 = 1। ऐसा यहां पर एक तरह से दिया है क्योंकि ये 25 अभी हम मान सकते थे। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसकी सेंट्रिसिटी में कोई दिक्कत नहीं, इसकी सेंट्रिसिटी बताओ, तो अंडर रूट 1+b² / a² 81/144, तो ये हो गया 225, तो 15/12 मतलब 5/4। AE होता है, तो AE मतलब 12/5 × 5/4, ये कैंसिल, तो इसकी फोकाई है बेटा 3 ± 3,0। अब इसको इससे कंपेयर करना है, बस क्वेश्चन खत्म। अब इसकी फोकाई जो होगी उससे इसको कंपेयर करना है, तो अब इसकी फोकाई क्या होगी बेटा, इसकी फोकाई ऑब्वियसली AE, 0 होगा, A कितना है 4, तो +-3 मतलब आप ऐसा ले सकते हो 3 = 4e, देन e = 3/4, और बी स्क्वायर क्या होता है a² × 1 - कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर ही पूछा है, ए स्क्वायर कितना है 16 × 1 - 9/16 एंड देन b² = 7, आपसे b² ही पूछा है।